7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff. Falcon 9 and Starship Ocho. इलॉन मस्क की टेस्ला कंपनी के बारे में तो सभी जानते हैं कि आप जानते हैं इलॉन मस्क के स्टारलिंक प्रोजेक्ट के बारे में। दोस्तों स्टारलिंक एक सैटेलाइट नेटवर्क है जो स्पेसएक्स के इनसाइड डेवलप हुआ है। साल 2015 में इसे लॉन्च किया गया था और 1000 से ज्यादा सैटेलाइट्स को ऊपर आसमान में भेजा जा चुका है। हेलो गाइस, मैं हूं अदनान, आप देख रहे हैं टेक्निकल उस्ताद यूट्यूब चैनल को। तो चलते हैं टेक्नोलॉजीज की दुनिया। सब्सक्राइब करें टेक्निकल उस्ताद यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। इन सैटेलाइट्स का मकसद ये है कि ऊपर से ये कनेक्टिविटी वहाँ तक पहुँचाएंगे जहाँ पे आज के वक्त में इंटरनेट नहीं पहुँच पाता, यानी कि जो विलेज एरिया होता है या कोई ऐसा रेगिस्तान होता है, समुंदर होता है या कोई भी ऐसे माउंटेन्स होते हैं जहाँ पे इंटरनेट की सर्विसेज जो हैं पहुँचना नामुमकिन है, तो ये ऊपर आसमान में रहते हुए ऊपर से सैटेलाइट की कनेक्टिविटी से सिग्नल्स प्रोवाइड करने के लिए सैटेलाइट्स को डेवलप किया गया है। आज के दिन में 25 से ज़्यादा कंट्रीज जो हैं इसको यूज़ कर रही हैं अपनी एरिया में और 2.5 लाख से ज़्यादा इसके एक्टिव यूज़र्स हैं जो कि इसकी सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं। और अगर आप जाते हैं इसकी वेबसाइट के ऊपर तो ये बता रहे हैं कि फ्यूचर में हम 42 सैटेलाइट्स को ऊपर ऑर्बिट में भेजेंगे और उनसे इतना स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कर देंगे कि आपकी जो इंटरनेट की स्पीड है, आप अगर समुंदर में हैं या आप रेगिस्तान में हैं या किसी पहाड़ी इलाके में हैं या वहाँ पर हैं जहाँ पर इंटरनेट या 5G नहीं जा सकता, वहाँ पर भी इसकी सर्विसेज आपको एक्यूरेट मिलेंगी। बेसिकली फ्रेंड्स, स्टारलिंक एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इंटरनेट की फैसिलिटीज़ वहाँ तक पहुँचाना जहाँ तक आम जो इंटरनेट है, यानी कि जो हम यूज़ करते हैं 5G, 20G या 10G के रिलेटेड, और जो इंटरनेट हम आज के वक्त में यूज़ करते हैं इससे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा और 1000G तक इसकी इंटरनेट की स्पीड भी हो सकती है और इससे ज़्यादा भी हो सकती है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।